जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय के आदेश हैं, वे सभी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य हैं। राज्य सरकार इन आदेशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, इनमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको डाइल्यूट नहीं कर सकती, पर अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार उनको और स्ट्रिक्ट या सख्ती से पालन कर सकती है। कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं वहाँ पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है, या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो हेयर सैलून्स हैं या बाबर शॉप्स हैं ये सेवाएं प्रदान करती हैं। अभी हमारा आदेश सिर्फ उन दुकानों के लिए है जहाँ सामान की बिक्री होती है। अभी बाबर शॉप्स और हेयर सैलून्स खोलने की अनुमति नहीं है। हमारे राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार लिकर शॉप्स या शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। हमारा ऑर्डर यह है कि कंटेनमेंट जोन्स में इस तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। ये हर राज्य सरकार को निर्णय लेना है कि वो किस प्रकार कंटेनमेंट जोन के बाहर इन एक्टिविटीज़ को, इन गतिविधियों को रेगुलेट करे। बेसिक उद्देश्य ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, और जैसे कि हम COVID-19 के संक्रमण को फैलने से रोक सकें। जो शॉप्स आइटम्स बेच रही हैं वो शॉप्स तो खुली रह सकती हैं, लेकिन अगर वो शॉप सर्विसेज प्रदान कर रही हैं जैसे हेयर कटिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट या स्पा वगैरह, उनको अभी खोलने की अनुमति नहीं है। ई कॉमर्स के लिए अभी पुराना ही नियम लागू रहेगा। ई कॉमर्स के अंतर्गत सिर्फ एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति है। नहीं, अभी ई कॉमर्स के अंतर्गत कोई और सामान का एड ऑन नहीं हुआ है। जो गृह मंत्रालय के नए ऑर्डर्स हैं उसके अनुसार रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति नहीं है। दुकानदारों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करें, कर्मचारी मास्क पहने, और जो हमारे स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल हैं और जो स्वच्छता नियम है उनका वे अनुपालन करें।